फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। धौलपुर से ही खबर है, दुकान के अंदर फंदे से लटका मिला है युवक और युवती का शव। दुकान से बदबू आने पर पुलिस को मिली थी सूचना, शटर कटवाने पर मिला दोनों लोगों का शव। शव को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और अब आगे की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में ये आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन पुलिस आगे की जांच करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ इस घटना में अब तक हुआ है। रितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रितेश, धौलपुर से ही ये खबर है, एक और हैरान कर देने वाली खबर, जहां दुकान के अंदर फंदे से लटका युवक युवती का शव मिला है। पुलिस को क्या कुछ जानकारी अब तक इस बारे में प्राप्त हुई है? क्या कोई सुसाइड नोट वहां मिला है या पहली जांच में क्या लग रहा है इस पूरी घटना को देखकर? देखिए राहुल, जिस प्रकार से ये पूरा मामला है वो राजाखेड़ा के जो पीताम्बरा धर्मकांटे के पास का मामला है, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर जो है फैमिली जोड़ा एक फंदे से लटका हुआ मिला है, जिसे फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और जिसका यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। और फिलहाल जो पुलिस है वो तहरीर के आधार पर, जो परिजन है युवक के उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जो युवक है उसके परिजनों से बातचीत में सामने आया कि युवक का नाम कन्हैया बताया जा रहा है, जो कि राजाखेड़ा क्षेत्र का ही निवासी बताया जा रहा है और फिलहाल वो डीजे का काम करता था और उसी दुकान के अंदर ये पार्टनर की दुकान बताई जा रही है, जिसके अंदर उसने अपनी जो सुसाइड की वारदात है वो अपनी प्रेमिका के साथ इसको अंजाम दिया है। जी ठीक है रितेश, तो ये शुरुआत में आत्महत्या का भी मामला दिखाई पड़ता है, लेकिन अभी आगे इसमें मालूम होगा कि क्या कुछ इसमें निकल करके आता है। छबड़ा गोगोर में, धौलपुर में ये बड़ी दोबारा घटना हुई है। देखिए, लगातार महिलाओं के खिलाफ भी जो अत्याचार है उसकी भी खबरें आ रही हैं, तो साथ साथ आत्महत्या के केसेस भी राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं। रितेश, इसमें ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे युवक युवती, कहाँ से ताल्लुक रखते थे, इसके बारे में जरा बताइए। जी राहुल, बिल्कुल, जो युवक है वो राजाखेड़ा क्षेत्र के कोल्लापुरा गांव का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 28 वर्ष बताई जा रही है और जिसकी करीब 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, जिसके दो बच्चे भी हैं और इसका जो प्रेम संबंध के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसने अपनी प्रेमिका को दुकान के अंदर बुलाया था और जहां पर इन्होंने पूरी रात गुजारी और साथ ही ये दो दिन पूर्व का मामला है। लेकिन ये शटर जो है दुकान का वो अंदर से बंद था और जैसे ही दुकान मालिक वहां दुकान के पास पहुंचा तो शटर को अंदर से बंद पाया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उस शटर को खुलवाया, उसके बाद जैसे ही सबको बाहर निकाला तो उसके बाद सीधे तौर पर यहां पर जब शिनाख्त की गई तो उसकी शिनाख्त कन्हैया के रूप में युवक की हुई है। हालांकि जो महिला की शिनाख्त, तो ये दुकान कितने दिनों से बंद थी रितेश? दो दिन पूर्व दुकान बंद बताई जा रही है, दो दिन से लगातार ये दुकान बंद थी और पार्टनरशिप का मामला बताया जा रहा है, जो डीजे की दुकान का पार्टनरशिप का मामला था, जो मृतक है उसके साथ जो ठीक है। रितेश, शुक्रिया आपका।